हे अल्टीमेट हीरोज, एमसीयू की क्या जमाना गई? सुपर हीरो मूवी इतना पीट रहा है क्यों? सुपर हीरो कंटेंट ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला, तो सुपर हीरो के बाद कौन सी ट्रेंड देखेंगे? गेम एडप्टेशन मूवी सीरीज या एनिमे आने वाला टाइम में असली ट्रेंड बनेगा? इन सब के बारे में जानने के लिए वीडियो में बने रहना। वीडियो शुरू करने से पहले आपको हमारी एक रिक्वेस्ट होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लगे हाथ सब्सक्राइब बटन को कुछ भी करो, क्लिक होना चाहिए ही, साथ ही ऑल पर सेट, जिससे आप हमारी वीडियो सबसे पहले देखोगे। और हाँ, लाइक एंड दोस्तों से शेयर करना एकदम नहीं भूलना। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रो के, मार्वल डीसी एंड। चलो इस बारे में डिस्कशन करते हैं। कुछ साल या फिर एंड गेम की बात ही मार्वल की नैया ऐसे हिल रहा है क्यों? कभी सोचे हो? देखो 1978 से रिचर्ड डोनर्स की सुपरमैन मूवी से सुपर हीरो की जर्नी शुरू हुआ था टेक्निकली। फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्लेड, स्पाइडरमैन, वेंडेटा, वॉचमैन, डार्क नाइट एंड बाद में एमसीयू डीसीयू जैसे सुपर हीरो यूनिवर्स देखे। बट आप गौर करना, सुपर हीरो की ये रेस 2008 या 2002 से शुरू नहीं हुआ था, हुआ था उससे पहले, बट इसका ग्रोथ होना चालू हुआ था 2002 से। एडिशनली सुपर हीरो की जमाना तो गई, कुछ फैंस इसे गुस्से की नजर से देखेंगे। आप सब समझो, अब जितने बड़े सुपर हीरो फैन होना क्यों, एक टाइम के बाद हर कोई बोर फील करती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये भी सोचो, आज से 4-5 साल पहले हर एक मोहल्ले में 10 बच्चे में से 8 बच्चे तो पबजी फ्री फायर खेलता ही था, उससे पहले सीओसी गेम। मगर आज इन सब गेम की क्रेज कहाँ गई? सोचे हो कभी? गेम को छोड़ो, 1978 से एक मूवी की ट्रेंड चालू हुआ था स्लैशर टाइप, जिसमें टेक्सास मैसिकर चेनसॉ, हेलोवीन, इलम स्ट्रीट, फ्राइडे द 13th एटसेट्रा मूवी तो था ही। ये सब मूवी आज के सुपर हीरो मूवी जैसी पैसे छपते थे। बट एट द एंड ये ट्रेंड भी खत्म हुई, क्योंकि देखने में इन सब की टॉपिक भी सेम हो चुका था। जैसे कोई भी जॉम्बी मूवी उठा लो, एक वायरस के चलते आधे इंसान जॉम्बी और कुछ इंसान सरवाइव करेगी एंड 90% जॉम्बी की भेजे पे गोली मारने से ही उन सब की एंड। अर्ली 20 से जॉम्बी कॉमेडी मूवी इन सब की ट्रेंड चालू हुआ, और 2011 के बाद या फिर 2008 के बाद सुपर हीरो की मूवी। और एक अच्छे एग्जांपल दूं, आप सबने तो बेन 10 को देखी ही हो। आप सब में से शायद किसी को क्लासिक बेन 10 अच्छी लगती है और किसी को बेन 10 एलियन फोर्स या बेन 10 अल्टीमेट एलियन। बट आप में से कितने को बेन 10 ओमनीवर्स पसंद आती है? उसके भी ऊपर तो बेन 10 की बात ही नहीं करना मुझे। आज सुपर हीरो की मूवी पीट रहा है, ठीक उसके दूसरे ही तरह वीडियो गेम एडेप्टेशन की मूवी सीरीज तो पैसे छप रहा है, जैसे कि सोनी, लास्ट ऑफ अस, सुपर मारियो ब्रोस, अनचार्टेड एटसेट्रा एंड इन सब की तो यूनिवर्स भी बन रही है। जैसे सोनी की स्पिन ऑफ मूवी नकल की फिल्मिंग शुरू हो चुका है, ऐसे ही बहुत सारे है। देखो गाइस, आप शायद मुझे गाली दे रहे हो, बट ठंडे दिमाग से समझो, कोई भी ट्रेंड ज्यादा दिन तक नहीं रहता, वो गेम हो या फिर कोई मूवी या कोई एनिमेटेड शो। ये सब कहने के पीछे मेरा एक ही मकसद है, कोई भी चीज हमेशा ट्रेंड नहीं रहता। अब मुझे एक बात कहो, एमसीयू के पास अब क्या है? यूनिवर्सल ट्रेड हो चुका है, मल्टीवर्सल ट्रेड हो जाएगा, फिर एक चीज है ओमनीवर्सल, जिसमें हम सब है। सो मोस्ट प्रोबेबली ओमनीवर्सल के चलते मार्वल वर्सेस डीसी देखने मिले, उतने दिन में डीसी हो शायद एस्टैब्लिश हो जाए, हु नोस व्हाट कुड हैपन। बड़े होने के बाद हम सब गौर यानी डेडपूल, द बॉयज जैसी सुपर हीरो मूवी सीरीज देखना पसंद करते हैं, या कह सकते हो आर रेटेड। बट एमसीयू एंड डीसीयू बच्चों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, जिसके चलते उन सबको भी PG-13 के दायरे में रह के मूवी बनाना पड़ती है। अब क्वेश्चन है, सुपर हीरो के बाद कौन सी ट्रेंड देखेंगे? देखो ऐसे तो बहुत कुछ कह सकता हूं, मगर मैं प्रैक्टिकली बात करने वाला हूं। मुझे लगता है गेम एडेप्टेशन मूवी एंड सीरीज या फिर एनिमे, जी हां एनिमे, सुपर हीरो मूवी जैसी मार खा रही है, उसके उल्टी तरफ बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ के गेम एडेप्टेशन मूवी सीरीज तो कमाई कर रही है, या कह सकते हो मिलियन पर खेल रहा है। कौन सोचा था अनचार्टेड इतना हिट होगी? मोर्टल कॉम्बैट, सोनिक, सोनिक 2, सुपर मारियो, डिटेक्टिव पिकाचू, मॉन्स्टर हंटर, टॉम्ब राइडर, लास्ट ऑफ अस एंड आने वाला टाइम में सोनिक 3, माइनक्राफ्ट की फिल्म, गॉड ऑफ वॉर, फाइव नाइट्स एट फ्रेडी, डिटेक्टिव पिकाचू 2, एग्जांपल खत्म नहीं होगा गाइस। इतना है कि मेरे कहने का मतलब एक ही है, धीरे धीरे गेम एडेप्टेशन की कंपनी समझ चुका है कि उसको कैसे गेम एडेप्टेट करना होगा। 10-20 साल पहले या 15 साल पहले जैसे गेम एडेप्टेशन मूवी आता था, अब उससे हटके आ रहा है। हम एनिमे पे बात कर लेते हैं। एनिमे नाम सुन के अब भी कुछ लोग इसे बच्चों का शो समझता है साला। कोई उन्हें डेथ नोट, अटैक ऑन टाइटन, ब्रदरहुड अल्केमिस्ट, वन पाइस, वन पंच मैन, नारुतो एटसेट्रा दिखा हुआ। उसके बाद
साथ इंडिया को देखो। 2019 से कैसे एनिमे मूवी इंडिया की थिएटर में लगना चालू हो चुका है। ड्रैगन बॉल की मूवी, वन पाइस की रेड मूवी, माय हीरो एकेडमी की मूवी, जुजुत्सु काइसेन जीरो एक्सेट्रा। पहले तो साल में एक मूवी या फिर नहीं आता था, बट 2021 में 4 जापानीज एनिमेटेड मूवी, 2022 में 6 एनिमेटेड मूवी, उनमें से 5 जापानीज एनिमे। इस साल अभी के लिए तो 2 थिएटर रिलीज हो चुका है। रूमर के माने तो और भी 5 मूवी ऐसा है जो थिएटिकल रिलीज होगी। एनिमे फैन बेस इंक्रीज होना कोई इत्तेफाक नहीं, ये वही फैन है जो पहले मार्वल डीसी का फैन था। आखिर में क्वेश्चन है वही, सुपर हीरो क्या खत्म? इसके जवाब आप हमें कमेंट में दो। आपका क्या ख्याल है? क्योंकि आप अल्टीमेट हीरोज हो। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हो कुछ नहीं चाइल्ड मेमोरी की परिवार बन के। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड दोस्तों से शेयर करना एकदम नहीं भूलना। चलिए फिर मुलाकात होगी दूसरे किसी वीडियो दूसरे किसी टॉपिक में।